Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 16th April 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about Ambedkar Jayanti and Mahad Satyagraha. ये जो आर्टिकल है ये इंडियन सोसाइटी जीएस पेपर वन इंडियन हिस्ट्री एज वेल एज जीएस पेपर फोर एथिक्स एंड इंटीग्रिटी के लिए यूजफुल हो सकता है तो देखिए आप सबको पता है कि महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दोनों के जो व्यू हैं वो तो कास्ट सिस्टम को लेकर के वर्ना सिस्टम को लेकर के काफ़ी अलग अलग रहे हैं तो बोथ हैड कॉन्ट्राडिक्ट्री व्यू अबाउट हिंदुइज़म ओवरऑल एंड कास्ट सिस्टम एसोसिएटेड विद इट तो पहले गांधीयन व्यू को देखते हैं ऑन वर्ना सिस्टम एंड कास्ट सिस्टम दोनों के बीच में अंतर क्या है वो भी समझेंगे एंड देन वी विल सी अंबेडकर साहब के व्यू ऑन द सेम आइडिया दोनों में कहाँ कहाँ डिफ्रेंसेस हैं उनको समझेंगे देखिये महात्मा गांधी की अगर बात की जाए तो ही वॉज ए डिवाउट हिंदू वो हिंदू ट्रेडिशंस रीति रिवाज उनमें काफी ज्यादा बिलीव करते थे तो आप कह सकते हैं कि वो सनातनी हिंदू थे सनातन धर्म यानी कि जो ट्रेडिशंस हैं रिचुअल्स हैं उनको मानने वाले इंसान थे तो सनातन हिंदुइज्म में वर्ण आश्रम की भी बात की गई है मनुस्मृति की खासकर बात की जाए अ टेक्स्ट विच इज कंसिडर टू बी एन इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस फॉर सनातनी हिंदू तो वहां पे वर्ण आश्रम की भी बात की गई है बाकी सारे जगहों पे भी ऋग्वेद से भी इसके इसकी चर्चा की गई है बट ऋग्वेद में तो काफी सटल तरीके से इसका रेफरेंस है पासिंग रेफरेंस है आप सबने हिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा बट वर्ना आश्रम या वर्ना सिस्टम है क्या सरल भाषा में कहें तो वर्ना सिस्टम या वर्ना आश्रम प्रपाउंड आइडिया ऑफ हेरिडेटरी ड्यूटी हेरिडेटरी ड्यूटी मतलब आप जिस परिवार में आपका जन्म हुआ है वो परिवार जिस तरीके के प्रोफेशन में लगा रहा है जैसे कॉबलर के परिवार में आपका जन्म हुआ है ब्लैक स्मिथ के परिवार में जन्म हुआ है गोल्ड स्मिथ के परिवार में जन्म हुआ तो आप उसी प्रोफेशन को चुने अपने जीवन में दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडेटरी ड्यूटी आप ध्यान दें तो ऋग वेद में ऐसी कोई बात नहीं थी उसमें कुछ ऐसा कहा गया कि माई फादर इज फ्रॉम दिस प्रोफेशन आई एम फ्रॉम दिस प्रोफेशन तो बेसिकली वहां लिंक्ड विथ बर्थ बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो हिंदुइज्म के अंदर या सनातन धर्म के अंदर जो वर्णाश्रम सिस्टम डेवलप हुआ देर प्रोफेशन वॉज लिंक विथ बर्थ प्रोफेशन दट अ पर्सन कु वॉज एसोसिएटेड विथ हेरिडेटरी ड्यूटी अब जन्म सिद्ध आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप इसी प्रोफेशन को चुने और हेरिडेटरी ड्यूटी जो है डिवाइड की गई जिसको कहा गया चार अलग अलग वर्ण आज पर मनुस्मृति ब्राह्मण्स ब्राह्मिंस जो है उस परिवार में जन्म हुए लोगों को उनकी जिम्मेदारी हुई कि वो वैदिक स्कॉलर बने लिस्ट बने टीचर बने सत्र

कि ये प्रोफेशन आप चुनेंगे अपने जीवन में ऑन द बेसिस ऑफ द फैमिली इन विच यू आर बोर्न ऑन द बेसिस ऑफ द हेरिडेटरी रेस्पॉन्सिबिलिटी अब महात्मा गांधी ने इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट किया इस आइडिया ऑफ वर्ना सिस्टम को सपोर्ट किया कि इफ यू आर बोर्न इन दिस फैमिली यू अडॉप्ट दीज काइंड ऑफ एक्शन एंड लाइक तो सवाल ये उठता है क्या कि महात्मा गांधी ने इस तरीके के वर्ना सिस्टम को क्यों सपोर्ट किया क्योंकि सुन करके तो लग रहा है कि इट इज अ वेरी रिजिड सिस्टम डाइंग इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट या चूजिंग प्रोफेशन आज पर देर इंटरेस्ट तो काफी हद तक लोगों के च्वाइस को लिमिट कर रहा है तो इस तरीके के सिस्टम को महात्मा गांधी ने आखिर सपोर्ट क्यों किया और किस ग्राउंड पे किया तो वो जरा समझते हैं वर्ना सिस्टम की बात की गई है मनुस्मृति में महात्मा गांधी एक सनातनी हिंदू उन्होंने भी इस आइडिया को सपोर्ट किया सपोर्ट करने के पीछे जो सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट है वो है इकोनॉमिक एफिसियंसी तो माना जाता है कि अगर आप जिस परिवार में जन्मे हैं उस परिवार के स्किल्स आपके अंदर बचपन से ही ट्रांसफॉर्म या ट्रांसलेट हो पाएंगे बड़ी आसानी से आप जिन कामों को करते हुए अपने लोगों को देख रहे हैं अपने बड़े बुजुर्गों को देख रहे हैं ब्लैक स्मिथ के परिवार में वो इस तरीके कार चीजें देख रहा है मेटल्स के साथ डील होते हुए सिमिलरली गोल्ड स्मिथ गोल्ड के साथ लोगों को डील करते हुए देख रहा है बचपन से ही तो वो स्किल जो उसके परिवार में है फैमिलियल स्किल्स That can be passed from one generation to another generation very easily, and that is how economic efficiency could be maintained. And second, it will avoid cut throat competition in the society. Otherwise, कुछ एक विशेष काम के लिए बाकी सारे लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। So समाज में काफी ज़्यादा कंपटीशन होगा उसके कारण फिर हैटरेडनेस फैलेगा। This was गांधीजन का आइडिया, and that is why in his newspaper हरिजन महात्मा गांधी सेड कि देर इज नो बेटर ऑन अर्थ देन वर्ना सिस्टम तो जो मार्क्स का था का महात्मा गांधी को वर्ना सिस्टम में कॉम्युनिज्म के आइडियाज इंप्लीमेंट होते हुए दिखते थे कि हर एक इंसान अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करेगा ईच अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड दैट इज हाउ देयर वुड बी पीस एंड हारमनी इन द सोसाइटी देयर विल बी नो टैडपोल सोसाइटी नो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन महात्मा गांधी ने वर्ना सिस्टम और कास्ट सिस्टम के बीच में डिस्टिंगशन क्रिएट करके दोनों के बीच में डिफरेंस बता करके फिर उन्होंने वर्ना सिस्टम को फर्दर जस्टिफाई किया महात्मा गांधी ने कहा कि देखिए वरना सिस्टम जो है वो हैरार्किकल नहीं है इट जस्ट रिलेटेड विथ इट इज जस्ट रिलेटेड विथ फंक्शन बट नॉट हैरार्किकल इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चारों वर्ना है ऐसा नहीं है कि कोई ऊपर है कोई नीचे है इट्स नॉट टल मीन्स दे आर प्लेस्डोटली मीन एवरी वर्क इन दोसायी दिस कॉन्सेप्ट ऑफ गांधी डिग्निटी ऑफ लेबर कॉन्सेप्ट ऑफ गांधी मीन्स की ऑल टाइप्स ऑफ जॉब्स शुड बी रेस्पेक्टेड इक्वली नो ऑक्यूपेशन शुड बी कंसिडर्ड सुपीरियर और इनफीरियर तो बेसिकली महात्मा गांधी का ऐसा मानना था कि वर्ना सिस्टम में अगर हम चारों तरह के काम को बराबर रिस्पेक्ट दे समाज में ईच एंड एवरी वर्क शुड बी एसोसिएटेड विध डिग्निटी इसको कॉन्सेप्ट कहा गया डिग्निटी ऑफ लेबर देन देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशन एंड देन देयर वुड बी नो एनी निगेटिव आउटकम बिकॉज ऑफ सच वर्ना सिस्टम एंड देयर विल बी ओनली पॉजिटिव इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एफिशियंसी एंड अवॉइडिंग बट थ्रोट पॉपर्टीस महात्मा गांधी ने वर्ना सिस्टम और कास्ट सिस्टम के बीच में डिस्टिंक्शन करते हुए कहा दोनों के बीच में सिमिलैरिटी तो है कि प्रोफेशन इज चूजन ऑन द बेसिस ऑफ हेरिडेटरी आइडिया कि जिस परिवार में आप जन्म हुआ है उसके बेसिस पे आप प्रोफेशन चुनेंगे लेकिन एक मेजर डिसिमिलैरिटी भी है डिफरेंस भी है सिस्टम डज नॉट सपोर्ट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशन वर्ना सिस्टम प्लेसेस ऑल द फोर वर्नाज हॉरिजोंटली वेल कास्ट सिस्टम समहाउ अलाउज हायरार्किकल अरेंजमेंट ऑफ फोर प्रोफेशन कोई ऊपर कोई नीचे एंड दट लीड्स टू डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशन तो ये है कास्ट सिस्टम और वर्ना सिस्टम के बीच का अंतर महात्मा गांधी के हिसाब से सारी चीजें वही है बट अगर हम सारे प्रोफेशन को बराबर का रेस्पेक्ट दें उसमें काम कर रहे लोगों को बराबर का रेस्पेक्ट दें तो फिर उसको कहा जाएगा वर्ना सिस्टम लेकिन अगर कुछ लोगों को ज्यादा रिस्पेक्ट मिले कुछ लोगों को डिसरिस्पेक्ट मिले उनकी डिग्निटी डिनाई हो और उनके साथ मिसट्रीटमेंट हो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस हो तो उसी सिस्टम को फिर कहा जाएगा कास्ट सिस्टम तो महात्मा गांधी के हिसाब से वर्ना सिस्टम वेन इट इज डी जेनरेटेड फ्रैक्चर्ड आटार्ट प्लेसिंग द फोर वर्नाज इन हरार्किकल मैनर देन द दे सेम वर्ना सिस्टम डी जेनरेट्स इन टू कास्ट सिस्टम So basically, a लिखा हैज नास्ट एट इज ट्रावेस्टी ऑफ वर्ना दैट है ये हमारी समझ में गलती है हमने वर्ना सिस्टम को ठीक से समझा नहीं है तो बेसिकली अब महात्मा गांधी के जो वर्ना सिस्टम है तो कुछ हद तक प्लेटो के जो मिथ्स ऑफ मेटल है डोमिनेंट ट्रेट वाला कॉन्सेप्ट उससे लिंक कर सकते हैं बट प्लेटो uh, ने बर्थ से पूरी तरह से लिंक नहीं किया है महात्मा गांधी ने बर्थ से लिंक किया है वर्ना सिस्टम हिंदुइज्म में बर्थ से लिंक्ड है अब अंबेडकर साहब का व्यू देखते हैं इसके ऊपर अंबेडकर साहब ने एक स्पीच दिया काफी प्रोमिनेंट स्पीच है पॉपुलर स्पीच है आपको नाम याद रखना चाहिए एनहिलेशन ऑफ कास्ट ये स्पीच दिया उन्होंने 1936 में और उसमें अंबेडकर साहब ने कहा कि देखिए आप चाहे कितना भी कह ले महात्मा गांधी के आइडिया को कंडेम किया उन्होंने कि देयर कैन नॉट बी एनी प्रैक्टिकल डिस्टिंगशन बिटवीन कास्ट एंड वर्ना आप कह देंगे कि चारों काम को बराबर तरीके का रिस्पेक्ट मिले इससे मिल नहीं जाएगा प्रैक्टिकली ऐसा कभी नहीं होगा डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है ये महात्मा गांधी के हिसाब से वर्ना सिस्टम इज डिवीजन ऑफ लेबर इससे लोगों के बीच में काम डिवाइड होगा और लोग अपना अपना काम एफिशिएंसी से करेंगे बट अंबेडकर साहब कहते हैं कि इट इज नॉट डिवीजन ऑफ लेबर बट इट इज डिवीजन ऑफ लेबरर्स और महात्मा गांधी ने जो सूदराज हैं उनको हरिजन कहना शुरू कर दिया सन ऑफ गॉड्स जस्ट इन ऑर्डर टू प्लेस देम हॉरिजेंटली विथ ब्राह्मींस अंबेडकर साहब ने इस आइडिया को और ज्यादा क्रिटिसाइज किया अंबेडकर साहब ने कहा कि आप हरिजन कहें चाहे जो भी कहें जैसे ही आप अलग नाम से बुलाएंगे टली ब्रांडिंग पीपल फ्रॉम डिप्रेस और उससे उनके अगेंस्ट और ज्यादा होगी एक बार थोड़ा करेंट कंटेक्ट देख लेते हैंजन ऑफ अम्बेडकर जयंती जो हर साल चौदह अप्रैल को होती है अंबेडकर साहब का जन्म तिथि थी। ठीक है वापस से मुद्दे पर आते तो अंबेडकर साहब ही वॉज स्ट्रॉन्ग क्रिटिक ऑफ हिंदुइज देखिए अंबेडकर साहब ने महात्मा गांधी की आर्ग्यूमेंट को मानने से इंकार कर दिया दैट दैटिंग साहब ने तो पहले हिंदुइज को रिफॉर्म करने की कोशिश की उन्होंने एक सत्याग्रह लॉन्च किया महाड़ सत्याग्रह ऑर्डर टू अटैक द इंस्टीट्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी अनटचेबिलिटी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं वाईकॉम सत्याग्रह के दौरान कॉन्सेप्ट ऑफ पॉल्यूशन एंड प्योरिटी बेसिकली जो लोअर सो कॉल्ड लोअर प्रोफेशन को चुनते हैं सूदराज डूइंग पॉल्यूटेड वर्क सो दीज पीपल आर पॉल्यूटेड एंड दैट इज वाई अनटचेबिलिटी वॉज प्रैक्टिस्ड अगेंस्ट द सत्याग्रह बी आर अम्बेडकर साहब ने लॉन्च किया उन्नीस सौ सत्ताईस में विद एम ऑफ रिफॉर्मिंग हिंदुइज जहां पे अनटचल आज टू यूज पब्लिक टैंक इन महार रीजन विच इज इन करेंट डे रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट तो पब्लिक टैंक जहां पे अनटचेबल्स अलाउड नहीं थे वहां पे अनटचेबल्स को लेकर के गए एंड ही विद दिस यूजिंग द पब्लिक टैंक बाय द अनटचेबल्स ऑफ महार कम्युनिटी उन्होंने महार सत्याग्रह लॉन्च किया महार सत्याग्रह उन्नीस में उसी वक्त लगभग दो साल पहले वाइकॉम सत्याग्रह केरला में सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट तमिलनाडु में ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं तो बेसिकली नाइनटीन में जो कास्ट मूवमेंट चल रहे थे उनका तीन एग्जाम्पल आपको मिल गया याद रखिएगा एस में काम आ जाएगा एथिक्स में काम आ जाएगा और हिस्ट्री में तो काम आएगा ही इंडियन सोसाइटी में तो काम आएगा ही तो फिर से आते हैं अंबेडकर साहब के व्यू पे अंबेडकर साहब हिंदुइजम को पहले रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे बट धीरे धीरे उनको रियलाइज हो गया कि हिंदुइज्म का जो एसेंशियल हिस्सा है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है कास्ट सिस्टम और कास्ट सिस्टम ज बेस्ड ऑन डिस्क्रिमिनेशन तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अम्बेडकर डेवलप्ड अ वेरी एंटिक व्यू रिगार्डिंग हिंदुइज की हिंदुइजम का रिफॉर्म नहीं हो सकता इसको रिनंसिएट करना होगा इसको पूरी तरीके से रिमूव करना होगा so, so, सो ही अडोप्टेड द अप्रोच ऑफ रिनशन नॉट रिफॉर्म ऑफ हिंदुइज्म बर्न मनुस्मृति मनुस्मृति पुट डायनामाइट ऑन मनुस्मृति ऐसी बात है कि पब्लिकली बर्न इवन मनुस्मृति लेटर ऑन और उन्होंने अपना अप्रोच बदला उन्होंने कहा कि हिंदुइज्म को पूरी तरह से त्याग दिया जाए और अपने एज अपने जीवन के बिल्कुल आखिरी क्षणों में ही अडोप्टेड बुद्धिज्म अलोंग विध मोस्ट ऑफ हिज फॉलोअर्स तो आपको पता होगा शायद से कि अंबेडकर साहब ने 1956 में विथ अबाउट फाइव लाख सपोर्टर्स एडॉप्टेड बुद्धिज्म इन नागपुर बिकॉज उनके हिसाब से बुद्धिज्म में इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन का कोई स्कोप नहीं है ट्रीट्स इक्वली अंबेडकर साहब ने जो कास्ट सिस्टम है उसको कंटेन किया उन्होंने कहा कि कास्ट और में कोई अंतर नहीं है एंड सो कॉल्ड वर्ना सिस्टम हो या कास्ट सिस्टम इट इज ऑफ लेबर लेबर इट विल कीप ऑन परपेचुएटिंग डिस्क्रिमिनेशन दूसरा उन्होंने क्रिटिसाइज किया सो कॉल्ड वर्ना सिस्टम या कास्ट सिस्टम ऑफ so महात्मा गांधी ऑन द ग्राउंड इट इज डिनाइंग मेरिट एंड इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर एग्जाम्पल ये सिस्टम मीन करता है कि ए फादर इज अ डॉक्टर या वैद्य द सन मस्ट फॉलो द सेम प्रोफेशन इरेस्पेक्टिव ऑफ टैलेंट और इंक्लिनेशन तो अम्बेडकर साहब के हिसाब से वट नॉन सेंसिकल इज उसका मेरिट किसी और फील्ड में हो सकता है इंटरेस्ट किसी और फील्ड में हो सकता है दिस सिस्टम सो कॉल्ड वर्ना सिस्टम या कास्ट सिस्टम अम्बेडकर साहब के लिए दोनों एक ही है इज वेरी रिजिड एंड देर इज नो स्कोप फॉर मोबिलिटी एक इंसान अपने जीवन काल में कोई दूसरे काम नहीं कर पाएगा और इसको ब्रेक करना होगा अंबेडकर साहब ने कहा कि ये लीडिंग टू रिजिडिटी ऑफ कास्ट कैन बी ब्रोकन ओनली वेन देयर इज क्रॉस कॉम्युनिटी मैरिजेस अंबेडकर साहब के हिसाब से ये जो वर्ना सिस्टम है या कास्ट सिस्टम है इट इज परपेचुएटिंग अनटचेबिलिटी एक नाम आपको मैंने अभी मैं रटा रहा हूं ये अगर आप याद कर पाए और ऐसे में लिख पाए तो अच्छा रहेगा फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट लुइस डुमोंट इन्होंने काफी सारी स्टडी की है भारत के अंदर कास्ट सिस्टम के ऊपर तो इनका नाम अगर आप याद रख पाए तो अच्छा रहेगा लुइस डूमोंट साहब ने ये बेसिकली अनटचेबिलिटी एज एन इंस्टीट्यूशन बेसिकली सिस्टम के लिए जो नोशन ऑफ पॉल्यूशन एम प्योरिटी है वो पहली बार बोला था कि इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ

तो एक और टर्म देख लेते हैं लुइस डुमंड के बारे में हमने देखा एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडीड अबाउट इंडियन सोसाइटी एम एन श्रीनिवास का एक कॉन्सेप्ट है इंडियन सोशोलॉजिस्ट एम एन श्रीनिवास तो सेंसक्रिटाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने भारत के अंदर तो उन्होंने एक बुक लिखी बुक का नाम भूल भी जाइए कोई बात नहीं एम एन श्रीनिवास साहब का ये जो कॉन्सेप्ट है संस्क्रिटाइजेशन वो समझ लीजिए संस्क्रिटाइजेशन इज अ प्रोसेस अकॉर्डिंग टू विच सो कॉल्ड लोअर कास्ट या ट्राइब के लोग जो हैं दे आर ऑल्सो अडोप्टिंग कस्टम्स रिचुअल्स एंड आइडियोलॉजीज एंड वे ऑफ लाइफ ऑफ हाइयर कास्ट एग्जाम्पल वेरिंग ए सैक्रेट थ्रेड डिनाइंग यूज ऑफ मीट एंड लीकर ऑब्जर्विंग इंडो प्रोहिबिशन ऑफ विडो रिमैरिज इटी तो ये सब कुछ जो पहले लोअर कास्ट में परमिटेड था अब धीरे धीरे लोग उसको त्याग रहे हैं गिविंग अप एंड दे आर अडोप्टिंग द वे ऑफ लाइफ यूज बाय सो कॉल्ड हाइयर कास्ट इस फिनोमिना को कहा गया है सेंसक्रिटाइजेशन बेसिकली सेंसक्रिटाइजेशन जो है वो एक तरीका है ताकि धीरे धीरे समाज में होमोजेनाइजेशन हो पाए सब लोगों के तौर तरीके जब एक जैसे रहेंगे तो फिर डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस नहीं होगा बट एम एन श्रीनिवास साहब का मानना है कि सेंसक्रिटाइजेशन से सोशल मोबिलिटी यानी कि क्रॉस कम्युनिटी इंगेजमेंट को नाम दिया गया सोशल मोबिलिटी वो ऐसा कोई बहुत ज्यादा उससे फायदा हुआ नहीं है देंटाइजेशन प्रोसेस इट्स डज नॉट रिजल्ट इन मूविंग ऑफ और मोबिलिटी ऑफ पीपल फ्रॉम लोअर कास्ट टू हाइयर कास्ट बट अदर फैक्टर्स लाइक इकोनॉमिक वेलबींग या पॉलिटिकल पावर बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन सिस्टम एंड एजुकेशन दिस अलाउड सोशल मोबिलाइजेशन ऑफ पीपल फ्रॉम लोअर कास्ट टू अपर कास्ट मतलब उनके बीच में इंटरैक्शन क्रॉस कॉम्युनिटी कॉम्युनिकेशन ये सब बढ़ रहा है संस्क्रिटाइजेशन इट सेल्फ हैज नॉट गारंटेड हाइयर सोशल स्टेचर बट अदर फैक्टर्स है मोबिलिटी ऑफ पीपल फ्रॉम सो कॉल्ड लोअर कास्ट टू सो कॉल्ड अपर

द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट वेस्ट एशिया पॉलिटिक्स देखिए आप सबने सुन ही लिया होगा कि ईरान ने इसराइल के ऊपर अटैक करने की कोशिश की बट टू ग्रेट एक्सटेंट मोस्ट ऑफ द अटैक वॉज फॉइल्ड या डिनाइड बाई इसराइल बट ये न्यूज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट इस डेवलपमेंट की मदद से मैं पूरा वेस्ट एशिया पॉलिटिक्स आज डिस्कस कर लेता हूँ इससे ज्यादा मेन्स में आपको वेस्ट एशिया पॉलिटिक्स के बारे में जानने की जरूरत है नहीं तो देख लेते हैं वेस्ट एशिया पॉलिटिक्स के बारे में ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट वुड बी बी फॉर फॉर आंसर राइटिंग सो दिस टॉपिक इज गोइंग टू इंपॉर्टेंट सिलेबस जीएस पेपर थिंग इंटरनेशनल रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो चार पांच चीजें वेस्ट एशिया के बारे में देखते हैं देखिए वेस्ट एशिया आपको पहले पता है कि क्या है वेस्ट एशिया जो पूरा पूरा एशिया रीजन है उसको अलग अलग रीजन में डिवाइड किया है भारत हमारा देश जो आता है वो आता है साउथ एशिया में इसके अंतर्गत अफगानिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल भूटान श्रीलंका मालदीव जैसे देश आते हैं तो एशिया के अलग अलग रीजन को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया ये वाला पार्ट हो गया आसियान कंट्री जिनको कहते हैं साउथ ईस्ट एशिया ये ईस्ट एशिया जिसमें चाइना और रसिया का कुछ हिस्सा जापान कोरिया सब आता है और एशिया के हिसाब से अगर बात की जाए तो ये वाला रीजन को कहा जाता है वेस्ट एशिया सेम रीजन फ्रॉम वर्ल्ड परस्पेक्टिव इज नोन एज मिडिल ईस्ट तो इसी रीजन को एशिया के लिहाजे से एशिया के रेफरेंस से कहा जाता है वेस्ट एशिया एंड द सेम रीजन फ्रॉम परस्पेक्टिव ऑफ वर्ल्ड इज नोन एज मिडिल ईस्ट ठीक है तो वेस्ट एशिया की अगर बात की जाए तो वेस्ट एशिया के पॉलिटिक्स को हम लोग समझते हैं वहां पे मेजर चीजों को समझने की कोशिश करते हैं वेस्ट एशिया के पॉलिटिक्स में जो एक मेजर फैक्टर है वो है सिया सुन्नी कंफ्लिक्ट तो सिया एंड सुन्नी दीज आर टू सेक्ट्स विद इन द इस्लाम इट अब आप देखोगे कि ज्यादातर वेस्ट एशियन कंट्रीज ज्यादातर इस्लामिक कंट्रीज हैं बट इस्लाम में भी दो मेजर सेक्ट हैं सिया और सुन्नी और सिया और सुन्नी सेक्ट के बेसिस पे उनके बीच में डिवीजन है और ये एक मेजर फॉल्ट लाइन है या रीजन बिहाइंड हॉस्टेलिटी है अमंगस्ट मेंबर कंट्रीज ऑफ वेस्ट एशिया फॉर एग्जाम्पल ईरान ये एक सिया कंट्री है और सऊदी अरबिया एक सुन्नी कंट्री है ईरान सिया होने के अलावा जिस कल्चर को फॉलो करता है वो है पर्सियन कल्चर और सऊदी अरबिया सुन्नी होने के अलावा जिस कल्चर को फॉलो करता है वो अरबिक कल्चर तो अब सऊदी अरबिया के साथ कई सारे इसके अलाइज हो गए जो अरबिक कल्चर को फॉलो करते हैं और सुन्नी सेक्ट के मुस्लिम वहाँ ज्यादा हैं फॉर एग्जाम्पल ओमान यू कतर बहरीन ये सब हो गया ईरान के साथ हो गया सीरिया सम एक्सटेंट इराक हो गया तो सम एक्सटेंट मिक्स्ड है यहाँ पे बेसिकली लगभग कुछ सिया भी हैं कुछ सुन्नी भी हैं बट सऊदी अरबिया ओमन यूएई इन सब ज्यादातर आपको सुन्नी दिखेंगे तो ये एक पहला फॉल्ट लाइन है मेजर राइवलरी है वेस्ट एशिया में वो है ईरान वर्सेस सऊदी अरबिया ईरान पर्सियन कल्चर सिया सेक्ट एंड सऊदी अरबिया अरबिक कल्चर सुन्नी सेक्ट ऑफ इस्लाम सऊदी अरबिया के साथ उसके अलाइज आपको दिख जाएंगे अरबिक कल्चर को फॉलो करने वाले कतर यूएई आई ओमन पर्सियन कल्चर को फॉलो करने वाले ईरान के साथ आपको दिख जाएंगे सीरिया लेबनन एंड और इराक में भी लगभग फिफ्टी फिफ्टी परसेंट का प्रोपोर्शन आप मान सकते हैं तो वेस्ट एशियन कंट्री ज्यादातर इस्लामिक है और दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर यह है कि दे आर रिच इन ऑयल एंड नेचुरल गैस तो ये एक बात हो गई वेस्ट एशिया पॉलिटिक्स को लेकर के सिया सुन्नी कंफ्लिक्ट दूसरी बात हो गई ईरान और यूएस की राइवेलरी थोड़ा समझ लेते हैं ईरान अब आपको पता चल गया कि मेजर प्लेयर है वेस्ट एशिया का जो सियाईट कल्चर को फॉलो करता है परसियन कल्चर को ईरान के अंदर नाइनटीन से एक डिक्टेटर रूल कर रहा था शाह रेजा पहेलवी और इस डिक्टेटर के यूएस के साथ काफी अच्छे रिलेशंस थे मतलब उसके रेजीम में ईरान और यूएस के काफी अच्छे रिलेशंस थे और काफी सारा ऑयल एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज शाह रेजा पहलवी यूएस और इसके एलाइज को काफी सस्ते दामों पे कंसेशनल रेट्स पे दे देता था इस कारण से लोकल इकोनॉमी को नुकसान हो रहा था ईरान में फिर 1979 में सारेज़ा पहलवी के अगेंस्ट हो गया रिवोल्ट इन ईरान सारेज़ा पहलवी को हटा दिया गया ईरान डिक्लेय इट सेल्फ द रिवोल्यूशन वॉज अंडर अ लीडर खोमनी। पहलवी रिमूव। उस दौरान थोड़े बहुत वायलेंस भी हुए उस वायलेंस में कुछ यूएस के जो डिप्लोमेट्स हैं उनके ऊपर भी थोड़ा बहुत अटैक हुआ तो एकाएक से जो रिलेशंस काफी अच्छे थे पहलवी के दौरान पहलवी रेजीम के दौरान यूएस और ईरान के बीच में ईरानियन रिवोल्यूशन जो 1979 में आया उसके बाद ये रिलेशंस पूरी तरह से खराब हो गए एंड सिंस देन सिंस दिस ईरानियन रिवोल्यूशन इन 1979 ईरान एंड यूएस बिकेम हॉस्टाइल टू इच अदर आज भी यूएस एक नहीं तो दूसरा बहाना ढूंढता है ईरान के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने के कभी एलिगेशन लगा देता है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन बना रहा है सिग्नेटरी ऑफ इसलिए इसके ऊपर सैंक्शंस लगाए जाने चाहिए इस तरीके के कई सारे एलिगेशन लगाए जाते हैं सैंक्शंस लगता है तो ईरान को आपको पता है काटसा लॉ के अंतर्गत ईरान के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाया काटसा लॉ में ईरान ईरान और रसिया और नॉर्थ कोरिया के ऊपर इकोनॉमिक सेंक्शन लगाए यूएस ने तो मुद्दा यह है नाइनटीन के बाद से ईरान एंड यूएस आर हॉस्टाइल टू ईच अदर अब बात की जाए इसराइल की जो एक छोटा सा देश है वेस्ट एशिया में ओपनिंग इट्स वेस्टर्न पोस्ट इन मेरिटेरियन सी तो इजराइल बना 1948 में एक जूस कंट्री है ये एक आप कह सकते हैं एक्सेंट्रिक कंट्री है क्योंकि बाकी सारे देश इस्लामिक हैं वहां पे एक जूस कंट्री है जूस कंट्री है इसराइल के बनने के पीछे यूएस का एक मेजर रोल रहा यूनाइटेड नेशंस में रिजोल्यूशन पास करा करके और चूंकि यूएस के अंदर भी कई सारे जूस कॉम्युनिटी के लोग काफी इन्फ्लुएंशियल हैं इसीलिए इसराइल एंड यूएस इन जनरल ऑलवेज मेंटेन गुड टाइज गुड रिलेशन इट इज सेड कि यूएस का एक आउटपोस्ट है इजराइल इन वेस्ट एशिया तो इजराइल इज इस कंसिडर्ड एज यूएस आउटपोस्ट या चेक पोस्ट इन वेस्ट एशिया तो अब बात सिंपल है जब यूएस की दुश्मनी है ईरान से ईरान की दुश्मनी है सऊदी अरबिया से तो यूएस की दोस्ती होगी सऊदी अरबिया से यूएस की दोस्ती है यूएस की दुश्मनी है ईरान से और यूएस की दोस्ती है इसराइल से तो इसराइल और ईरान के बीच में भी दुश्मनी होगी तो इस तरीके से वेस्ट एशिया के अंदर एक मेजर पावर सेंटर्स डेवलप हो गए तीन मेजर प्लेयर्स हैं ईरान सियाइट कंट्री सऊदी अरबिया सुन्नी इस्लाम एंड इसराइल ए ज्यूस कंट्री और तीनों के आपस में टेंशन है इसराइल और ईरान की बात की जाए पहले देख लेते हैं ईरान और सऊदी अरबिया की बात कर लेते हैं ईरान और सऊदी अरबिया के बीच में जो टेंशन है वो है सिया सुन्नी ईशू सु। सऊदी अरबिया और इसराइल के बीच में जो डिस्प्यूट है वो है पैलस्तनी इशू को लेकर के पैलस्तानियन इशू अपने आप में एक अलग मुद्दा है जिसको मैंने काफी दफा डिस्कस किया है पैलस्तनी जो पहले यहाँ रहा करते थे जिनको फोर्सफुली हटा करके अब तो इसराइल देश बनाया गया मतलब फोर्सफुली क्या टू नेशन रिजोल्यूशन पास हुआ टू स्टेट का रिजोल्यूशन पास हुआ यूनाइटेड नेशन में फालस्तीनियंस रिजेक्टेड इसको लेकर के मेरा एक पूरा वीडियो भी है आपको पता है आप देख सकते हैं यूट्यूब पे जाकर के फैलस्तीन कन्फ्लिक्ट को लेकर के फलस्तीन कन्फ्लिक्ट को डिटेल में नहीं लेते हैं अभी यहाँ पे अदरवाइज विल गेट एविएटेड मुद्दा यह है कि तीन पावर सेंटर्स हैं सऊदी और ईरान के बीच में तो कन्फ्लिक्ट आपको पता ही है सिया सुन्नी कन्फ्लिक्टऊदी और इसराइल के बीच में फालस्तीन इशू है और ईरान और इसराइल के बीच में दो मुद्दे हो गए एक तो ईरानियन रिवोल्यूशन के कारण दोनों के बीच में हॉस्टेलिटी है और दूसरा पैलस्तीनियन इशू पैलस्तीनियन तो इस्लामिक लोग हैं तो पैलस्तीनियन के लिए सऊदी के पास भी सिंपथी है ईरान के पास भी सिंपथी अगेंस्ट इसल तो ये ट्राई लेटरल या थ्री पावर सेंटर्स बन गए इन वेस्ट एशिया और तीनों के आपस में कुछ फॉल्ट लाइन्स हैं और यही फॉल्ट लाइन डिसाइड करता है वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स को और वेस्ट एशिया चूंकि एक एनर्जी रिच रीजन है इस कारण से दुनिया के जो मेजर प्लेयर्स हैं उसका इंटरेस्ट काफी हाई है इन वेस्ट एशिया यूएस तो आपको पता ही है यूएस ने एक चेक पोस्ट बना दिया इसराइल के फॉर्मेट में सऊदी अरबिया के साथ उसने अपने अच्छे रिलेशन बनाए हुए हैं इन ऑर्डर टू कर द इन्फ्लुएंस ऑफ ईरान तो यूएस वॉज तो ऑलरेडी देयर इन वेस्ट एशिया चाइना हैज बिन ट्राइंग टू ग्रो इट्स फुट प्रिंट इन वेस्ट एशिया चाइना ने 400 बिलियन डॉलर का डील साइन किया ईरान के साथ चाइना ने सऊदी अरबिया के साथ भी अपनी प्रॉक्सिमिटी डेवलप करने की शुरुआत कर दी है बाई इंगेजिंग इन चाइना एंड जी सी सी जी सी सी इज ए ग्रुप मेनली सेंटर्ड अराउंड सऊदी अरबिया तो सऊदी अरबिया और इसके बाकी पांच अलाइस मिलकर के ग्रुप बनाए हैं गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज़ ये गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज तो चाइना ने जी सी सी समिट में पार्टिसिपेट किया इन ऑर्डर टू डेवलप प्रॉक्सिमिटी विथ सऊदी अरबिया और इतना ही नहीं चाइना ने तो एक मेजर काम भी कर दिया जब सऊदी और ईरान के बीच में उसने थोड़ी बहुत नेगोशिएशन शुरू करा दिए डील दोनों के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन सऊदी और ईरान के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन पूरी तरह से खत्म हो गए थे दो में थोड़े बहुत डिस्प्यूट के बाद चाइना ने दोनों के बीच में थोड़ी बहुत डील करानी शुरू कराई तो आप कह सकते हैं कि चाइना हैज ग्रोइंग इट्स फुटप्रिंट इन वेस्ट एशिया और भारत कैसे चुप बैठे तो भारत ने चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करेंगे क्योंकि इंडिया का बहुत सारा इंटरेस्ट है वेस्ट एशिया में क्या इंटरेस्ट है अगले पेज पे देखेंगे इंडिया ने यूएस की मदद से क्योंकि यूएस तो ऑलरेडी देयर इन वेस्ट एशिया प्लस यूएस विल नेवर लाइक चाइनाज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन वेस्ट एशिया तो अमेरिका ने चाइना के इन्फ्लुएंस को इस रीजन में यहां ध्यान दीजिए अमेरिका ने चाइना के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए इन इंडो पैसिफिक रीजन स्पेशली अराउंड साउथ चाइना सी बनाया एक ग्रुप जिसका नाम है क्वाड दैट स्टार्टेड एज एन इनफॉर्मल मीटिंग इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान एंड यूएस अब अमेरिका ने जब देखा कि चाइना इधर वेस्ट एशिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है तो अमेरिका ने बनवाया आई टू यू टू सबमिट आई टू यू टू आई फॉर इंडिया आई फॉर इजराइल यू फॉर यू एंड यू फॉर यू एस आई टू यू टू सबमिट ऑल्सो नो नाइम्स वेस्ट एशिया क्वाड तो इधर में क्वाड है तो काउंटर चाइनाज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन इंडो पैसेफिक यहां पर बनाया आई टू यू टू ऑल्सो नोन आज वेस्ट एशिया क्वाड टू काउंटर चाइनाज ग्रोइंग इंफ्लुएंस इन वेस्ट एशिया तो आई टू यू टू समिट उसके अलावा इंडिया यूएस इजराइल मिलकर के बाकी सारे देश भी हैं एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर इस टॉपिक को हमने कवर किया था प्रीलिम्स क्रॉस कोर्स 296 में एक बार उसको आप देख लेना याद होगा ही आपको मैं उम्मीद कर रहा हूं तो एक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है इसका मेन गोल ही है चाइना के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन वेस्ट एशिया को काउंटर करने के लिए चाइना का जो इन्फ्लुएंस है थ्रू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उसको काउंटर करने के लिए इन वेस्ट एशिया इंडिया इसराइल यूएस ने मिल करके शुरू किया इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर ये सारी चीजें आई होप आपको बात समझ आ रही है कि ये रह, हो गया पावर सेंटर्स ये रीजनल पावर सेंटर्स हो गए ईरान साउदी एंड इसराइल यूएस तो ऑलरेडी वॉज देयर अदर सुपर पावर चाइना इज ग्रोइंग ट्राइंग टू एंटर इन टू द रीजन तो इंडिया कैनॉट ऑल्सो अफोर्ड टू स्टे बिहाइंड इंडिया इज ऑल्सो ट्राइंग टू ग्रो इट्स इंफ्लुएंस इन द रीजन थ्रू आई टू यू टू एंड इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर अब इसके साथ ही साथ एक और आ, वेस्ट एशिया पॉलिटिक्स को समझने के लिए आपको एक फैक्ट समझना होगा वो है एब्राहम रिकॉर्ड देखिए आपको मैंने बताया कि यू वेस्ट एशिया के पॉलिटिक्स को ट्रायंगुलर तरीके से देखा जा सकता है तीन मेजर प्लेयर्स हैं अब सऊदी अरेबिया और इसराइल की अगर बात की जाए तो इनके बीच में मेन हॉस्टेलिटी तो पैलेस्तीनियन इशूज को लेकर के है तो भाई वो इशूज धीरे धीरे डायल्यूट हो रहा था डायल्यूट हो रहा था मेनली बिकॉज ऑफ अ न्यू अकॉर्ड जिसका नाम था अब्राहम अकॉर्ड अब्राहम अकॉर्ड एक अग्रीमेंट है जिसमें सऊदी के जो मेजर एलाइज हैं अरेबिक एलाइज जैसे कि यू आई बहरेन दे इंटर इंटू एन एग्रीमेंट विद इसराइल इन ऑर्डर टू स्टार्ट डिप्लोमेटिक रिलेशन विध इसल अदरवाइज इन देशों ने इसराइल को के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बंद करे हुए थे बट एब्राहम एक मेडिएटेड बाई द यू एस इन ऑर्डर टू प्रॉम्प्ट और मोटिवेट कंट्रीज लाइक यू ए बहरेन टू स्टार्ट इट्स डिप्लोमेटिक टाइज विथ इसराइल और बातें ऐसी भी चल रही थी कि सऊदी अरबिया जो इस लीग का जिसमें बहरेन और यूएई हैं अरबी कंट्री उस लीग का बॉस है तो सऊदी अरबिया इन अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग इन टू एब्राहम अकॉर्ड अब्राहम अकॉर्ड तो की मदद से आप कह सकते हैं इसी कोवर्ट मतलब आप कह सकते हैं क्लासिफाइड इजराइली सऊदी मीटिंग तो मोर ऑन लेस इट वॉज बींग टॉक्ट कि अब्राहम अकॉर्ड में अल्टीमेटली सऊदी अरबिया भी एंटर कर जाएगा

एंड मेन हॉस्टाइल कंट्री दैट वॉज लेफ्ट वॉस ईरान बट फिर हो गया गाजा अटैक गाजा अटैक आपको पता है अक्टूबर महीने में पिछले साल पहले हमास एक टेरर ग्रुप आप कह सकते हैं या रेडिकल ग्रुप है जो पेलस्तनियंस के लिए फाइट करता है उसने इसराइल के ऊपर अटैक किया फिर इसराइल ने काउंटर रिटालियशन शुरू किया रिलेंटलेस काउंटर रिटालियशन शुरू किया जिसमें कई सारा ह्यूमानिटेरियन क्राइसिस भी शुरू हुआ अब ये जो गाजा वॉर शुरू हुआ इसने अब्राहम अकॉर्ड के जो भी बेनिफिट्स थे उसको रिवर्स कर दिए गाजा वॉर के कारण वापस से सऊदी और इजराइल के बीच में टेंशन बढ़ने लगे क्योंकि गाजा वॉर में कई सारे फैलस्तीनियंस को काफी सारा ह्यूमैनिटेरियन लॉस उठाना पड़ा काफी सारे एट्रोसियस एक्टिविटीज हुए गाजा के ऊपर जब लगातार बॉम्बिंग कर रहा है इसराइल तो दैट इज वाई बेनिफिट्स और द गेन्स दैट वी एडॉप्टेड और हैड बिकॉज ऑफ अब्राहम अकॉर्ड जो बायोलेटरल हुआ था

तो हमारा अभी हेविली डिफेंस इंपोर्ट होता है यूएस अभी हेविली डिफेंस इंपोर्ट होता है रसिया से उसके अलावा फ्रांस और यूएस से वी वॉन्ट टू डाइवर्सिफाई आवर डिफेंस इंपोर्ट सो दैट वी डू नॉट रिमेन डिपेंडेंट अपॉन वन और टू कंट्रीज फॉर आवर ओन स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हो तब तो, तो बेस्ट है लेकिन किसी एक देश पर डिपेंडेंट रहना वो अच्छी बात नहीं है तो इसराइल से हमारा पहला वो इंटरेस्ट है इस कारण से कई सारे डिफेंस इक्विपमेंट जैसे कि बराक बराकेट स्पाइडर फाल्कन अवाक्स ये सब हम लोग इसराइल से लेकर के आ रहे हैं दूसरा काउंटरिंग चाइना चाइना को काउंटर करने में वेस्ट एशिया में थ्रू आई टू यू टू इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर में इसराइल इज इस एन इंपॉर्टेंट पार्टनर तीसरा इसराइल जो है वो वाटर डेफिसिट कंट्री है उसके बावजूद भी इसने कई सारे वाटर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज डेवलप किए हुए हैं फॉर वाटर यूज दैट कुड बी हेल्पफुल इन एग्रीकल्चर तो भारत के अंदर भी अब क्लाइमेट चेंज के कारण वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखे जा रहे हैं तो इसराइल कैन बी अ गुड पार्टनर इन हेल्पिंग इंडिया टू अडॉप्ट बेटर वाटर यूज अप्रोच या टेक्नोलॉजी इसके लिए थ्री ईयर ऑफ वर्क प्रोग्राम एग्रीमेंट साइन किया है हमने इसराइल के साथ उसके अलावा अरब कंट्रीज की अगर बात की जाए खासकर सऊदी अरबिया की तो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए दे आर इंपोर्टेंट क्योंकि हमारा मोस्ट ऑफ द क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम द रीजन आजकल थोड़ा बहुत हमने रसिया से इम्पोर्ट बढ़ा दिया अदरवाइज मोस्टली वी डिपेंड अपॉन दीज अरबिक कंट्रीज उसके अलावा मोस्ट ऑफ द इंडियन डायस्पोरा लार्ज अमाउंट ऑफ इंडियन डायस्पोरा लिव्स इन द रीजन और वो इंडियन डायस्पोरा की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए और उसके अलावा वो लोग काफी सारा रेमिटेंस हमें वापस से भारत में भेजते हैं उसके लिए दीज अरबिक कंट्रीज आर इम्पोर्टेंट फॉर अस एंड ईरान की अगर बात की जाए तो चाबहार पोर्ट भारत डेवलप कर रहा है ईरान के अंदर विच कैन बी हेल्पफुल इन डेवलपिंग इंडियाज कनेक्टिविटी विथ अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया उसके अलावा ईरान एक मेजर प्लेयर है इन थ्वार्टिंग पाकिस्तान अटेम्प्ट टू ब्रांड इंडिया एज एन एंटी इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल पे मेन यही गोल रहता है कि भारत को एंटी इस्लामिक कंट्री डिक्लेयर करा दे जैसे तैसे भी ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक ओ आई सी ऑर्गनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज एक मेजर ग्रुप है ये ओ आई सी जहां पे दुनिया भर के जो मेजर पचपन छप्पन इस्लामिक कंट्रीज हैं वो पार्टनर हैं वहां पे पाकिस्तान हमेशा इंडिया के अगेंस्ट रिजोल्यूशन लाता है उसमें इंडिया मेंबर तो है नहीं ईरान तो वहां पे हमारे लिए हेल्पफुल होता है वो इस तरीके के प्रपोजल्स को रिजेक्ट कर देता है और रीजनल सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए भी ईरान इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ईरान जो है वो आप कह सकते हैं कि रीजनल पावर है इस एरिया का वेस्ट एशिया का एंड इट कैन हेल्प इन करबिन टेरर ग्रुप्स लाइक अलकायदा एंड ऑल आइसिस दैट इज हाउ ईरान इज हेल्पफुल इन रीजनल सिक्योरिटी ऑल्सो तो मुद्दा यह है कि ऑल द थ्री पावर ब्लॉक्स इन वेस्ट एशिया आर इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया एंड दैट इज वाई इंडिया यूजेस अ डिप्लोमेटिक डिलीजेंस अ वेरी स्ट्रेटेजिक अप्रोच बैलेंस्ड अप्रोच इन ऑर्डर टू फ्रेम इट्स पॉलिसी विथ रेस्पेक्ट टू वेस्ट एशिया हम काफी शांति से आराम से काम करते हैं किसी को भी हम नाराज करना अफोर्ड नहीं कर सकते अब हुआ क्या है हाल फिलहाल में एक तो गाजा वॉर के कारण ये चीजें जो है फिर से ट्राई लेटरल हो गई जब तक बाइलेटरल हुई थी तब तक हमारे लिए जिंदगी थोड़ी आसान थी कम से कम अब इन दोनों के बीच में ज्यादा चिंता नहीं करनी थी हमको इनको लेकर के कंबाइंड पॉलिसी हमने बना दिया था जैसे आई टू यू टू या एम इकोनॉमिक कॉरिडोर वगैरह में हम पार्टिसिपेट कर दो बट अभी गाजा वॉर के कारण प्रॉब्लम्स बढ़ गई और अब थोड़ी सी प्रॉब्लम हाल फिलहाल में और बढ़ी हैं आपको जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ये बताया कि ईरान ने इसराइल के ऊपर अटैक किया इसके पहले दो वीक पहले इसराइल ने क्या किया था सीरिया के अंदर डेमास्कस में ईरान के कॉन्सुलेट ऑफिस में ईरान के कुछ ऑफिसर्स पे अटैक किया था उसके जवाब में ईरान ने इसराइल के ऊपर अटैक करने की कोशिश की दो द अटैक वॉज थॉटेड बट कहीं कही दोनों के बीच में टेंशन बढ़ गए अब ये टेंशन बढ़ने का नतीजा हुआ कि ईरान का एक प्रॉक्सी ग्रुप है हुती सियास तो सिया ग्रुप्स का एक रेबल ग्रुप है हुतीस वो यमन में एक्टिव है वो फिर से अपने आ, आप कह सकते हैं रेबेल एक्टिविटीज को प्रमोट करने लगा कुछ दिनों पहले इन न्यूज बिकॉज हुतीज वेयर अटैकिंग यूएस बेस्ड शिप्स इन रेड सी इन ऑर्डर टू तो प्रेसराइज इजराइल वाया यूएस टू स्टॉप गाजा बॉम्बिंग हुतीज के बारे में हमने कुछ दिनों पहले देखा था हुतीज अगेन बीन वेरी एक्टिव इस रीजन में फिर जो इंडियन सिप्स वगैरह हैं या यूएस बेस्ड सिप्स हैं जो इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए आ रहे होंगे उनको खतरा हो सकता है अगेन सो दैट इज अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया द रिन्यूड हॉस्टेलिटी बिटवीन इरा इजराइल ईरान विल फर्दर मेक इट डिफिकल्ट फॉर इंडिया टू मैनेज इट्स फॉरन पॉलिसी विथ वेस्ट एशिया ये समस्या होने वाली है जीसीसी पे यूपीएससी ने साल 2016 में यह प्रश्न पूछा था प्लीज दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो गाजा वॉर है इट हैज लिमिटेड द पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ अब्राहम अकॉर्ड्स फॉर इंडिया इसमें आपको बेसिकली पहले अब्राहम अकॉर्ड्स के बारे में बताना चाहिए सवाल को ऐसे पकड़िए उस एंगल से पकड़िए जहां से आप लॉजिकली उसको फ्लो करा पाए तो पहले अब्राहम अकॉर्ड्स के बारे में बताइए फिर उसके पोटेंशियल बेनिफिट्स बताइए फिर आप गाजा वॉर के बारे में आइए और गाजा वॉर के कारण फिर क्या नुकसान हो गया वो सब बताइए यहाँ पे हिंट्स मैंने दे दिया है बहुत बार जो लॉजिकल फ्लो होता है वो क्रोनोलॉजिकली पकड़ने से ज्यादा अच्छा रहता है तो अब्राहम अकॉर्ड्स उन्नीस सौ में हुआ गाजा वॉर दो में हुआ तो यहाँ पे लॉजिकल फ्लो तभी बनेगा जब आप क्रोनोलॉजिकली चीजों को लेकर के बढ़ें आई टू यू ट्यूब मैंसन कीजिए आई एम ई सी मेंशन कीजिए दैट इज हाउ यू कैन क्रिएट योर आंसर

वर्ल्ड बैंक इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन साउथ एशिया रिपोर्ट के हिसाब से क्लाइमेट चेंज कुड कॉस्ट इंडिया टू पॉइंट एट परसेंट ऑफ इट जी डी पी एंडर्ड फॉर नियरली हाफ ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन बाई ट्वेंटी तो अब आपको एक बात तो पता है कि पेपर थ्री में क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड प्रश्न तो आते ही हैं वहां पर आपको डेटा चाहिए सो प्लीज मग अब दीज टू डेटा इंट्रोडक्शन में काम आ जाएगा क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कारण क्या इंपैक्ट हो रहा है उसको स्टार्ट करने में आप सीधा सीधा मैं कर सकते भारत सातवा सबसे ज्यादा रिस्क आ, फेसिंग कंट्री है और हमारे जीडीपी को यह नुकसान हो सकता है और 50 परसेंट पॉपुलेशन को यह नुकसान हो सकता है एज पर वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट सो प्लीज मगर टू डेटा बोव तो इन सब कारणों से इंडिया नीड नीडिया क्लाइमेट पॉलिसी भारत की जो आ, आप देखें तो हमारा अभी तक जो क्यूमुलेटिव इविशन है देखिए भारत दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा इन्विशन करने वाला देश होगा मौजूदा टाइम है आफ्टर चाइना यूएस वी अर्थ बट क्यूमलेटिव इमीशन की अगर बात की जाए अभी तक कम्बाइंड इमिशन हमने कितना किया है एटीन फिफ्टी इंडस्ट्रियल से तो इट इज ओनली थ्री परसेंट एंड अगर पर कैपिटल इमिशन की बात की जाए पॉपुलेशन के हिसाब से तो इट इज वन पॉइंट नाइन टन ऑनली तो बोथ आर वेरी लो हमने अभी तक ओवरऑल इमिशन काफी कम किया हिस्टोरिकली और पर कैपिटल इमिशन भी हम काफी कम कर रहे हैं येट इंडिया इज वेरी एक्टिव इन करबिंग ग्रीन हाउस गैस मिशन एंड क्लाइमेट चेंज तो क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए भारत ने इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर ग्लोबल बायोफील अलायंस एंड ऑल तो ये सब चीजें तो मैं प्रॉब्लम्स के दौरान आपको रिवाइज करा ही चुका हूं एक बार उनको देख लीजिए बाकी मेन्स में बहुत ज्यादा फैक्चुअल डिटेल्स की जरूरत पड़ती नहीं है नेशनल लेवल पर इंडिया ने क्लाइमेट पॉलिसी के अंतर्गत अडॉप्ट किया है नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज टू मिशन लाइफ पंचामृत स्ट्रैटेजी जो हमने कॉप ट्वेंटी ग्लासगो में अनाउंस किया ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम और हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है कि राइट टू बी फ्री फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इज नाउ अ फंडामेंटल राइट इसमें से बाकी सब तो आपको पता ही है नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज मैं थोड़ा सा बता देता हूं ये साल 2008 में लाया था प्राइम मिनिस्टर्स काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज इसमें आठ मिशन हैं टोटल नेशनल सोलर मिशन सोलर एनर्जी को प्रमोट हार्नेस करने के लिए नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम नेशनल मिशन फॉर इनहांस एनर्जी एफिशिएंसी सारे याद ना भी कर पाओ तब भी चलेगा याद कर लो तो ज्यादा अच्छा है नेशनल वाटर मिशन नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इन इंडिया नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर नेक्स्ट टॉपिक इज डॉक्सिंग दिस टॉपिक इज इंपोर्टेंट फॉर माइ सिलेबस पेपर फॉर अप्लाइड एथिक्स परस्पेक्टिव तो बेसिकली एथिक्स फील्ड से जो जो करंट डेवलपमेंट्स होंगे उन सबको हम लोग कहेंगे अप्लाइड एथिक्स जो कही कहीं ना कहीं आंसर राइटिंग में काम आ जाएगा हमारे एथिक्स पेपर में करंट आर्ग्यूमेंट्स या करेंट डेवलपमेंट्स डॉक्सिंग होता क्या है इट इज एन एक्ट ऑफ डिजिटली पब्लिसाइजिंग अ प्राइवेट कंटेंट चाहे उनका मोबाइल नंबर हो चाहे कोई पिक्चर हो वीडियो हो ऐसे कंटेंट जो उनके प्राइवेट थे हु दैट द इंडिविजुअल डिड नॉट इंटेंड टू शेयर अगर उसको पब्लिक डोमेन में रख दिया जाता है तो इसी एक्टिविटी को कहा जाता है डॉक्सिंग फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली हुआ क्या है वुमेन कंप्लेंट टू पुलिस रिगार्डिंग सम वीडियो ऑफ हर शेयर्ड

एंड इट इज ऑल्सो इलीगल एक्टिविटी एज पर आई टी एक्ट टू थाउजेंड बिकॉज इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइबर बुलिंग तो इस तरह के कुछ कुछ एथिकल इश्यूज हैं सीधा सीधा आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में डॉक्सिंग या साइबर रिलेटेड क्राइम्स हो रहे हैं उसमें आप डॉक्सिंग का एक बॉक्स बना करके लिख दीजिए ये सब कुछ बातें तो दैट विल बी हेल्पफुल आर्टिकल वन फोर्टी टू से रिलेटेड ऑप्शन बी करेक्ट है एंड वेट बल्ब और दोनों जब दोनों कंडीशन होते हैं तभी दोनों का टेम्परेचर वेट बल्ब और ड्राई बल्ब कमर रहता है Chital is not in danger or critical in danger. That's all from our side for today. Thanks for watching.